Welcome to Learns. Assalamualaikum children. आज हमने कौन सा अल्फाबेट सीखना था? ई. हाँ, कौन सा अल्फाबेट सीखना था? ई. ई का साउंड क्या है? ई ई ई. ई ई ई. हाँ, इसका स्मॉल लेटर है ई ई ई. E for elephant. E for eagle. E for earth. E for egg. E for ice. E for ice. E for elephant. E for elephant. E for eagle. E for eagle. E for earth. E for elephant. E for elephant. E for eye. E for ice. E. चलें, अब हमने इसका ए अल्फाबेट के वर्ड पढ़े हैं. अब हमने इसको क्या करना है? लिखना सीखना है. माम चिल्ड्रन, अपनी कॉपीज निकालिए, अपनी उस कॉपी और इसे लिखना सीखिए. एक डॉट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ लगा लिए तमाम बच्चों ने. इस डॉट को इस डॉट के साथ मैच कीजिए, फिर इसको इसके साथ, ये इस डॉट को यहाँ तक, इस डॉट के यहाँ, इस डॉट के यहाँ. ये क्या हो गया? ई. क्या है बड़ा अल्फाबेट? ई. ई का स्मॉल लेटर ये स्मॉल लेटर ई. ई. हाँ, अब हमने इसको क्या लिखना सीखा है आज अल्फाबेट में? ई. स्मॉल लेटर का साउंड क्या है? ई. 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 अब हमने ई. ई फॉर आईज. ई फॉर आईज. ई फॉर आईज. ई फॉर आईज. तो आज हमने क्या लिखना सीखा है? ई. ई फॉर एलिफेंट. ई फॉर एलिफेंट. ई फॉर ईगल. ई फॉर ईगल. ई फॉर अर्थ. ई फॉर अर्थ. ई फॉर एग. ई फॉर एग. ई फॉर आई. ई फॉर आइस. ई फॉर एलिफेंट. ई फॉर एलिफेंट. ई फॉर ईगल. ई फॉर ईगल. ई फॉर अर्थ. ई फॉर अर्थ. ई फॉर एग. ई फॉर एग. ई फॉर आई. ई फॉर आई. हाँ, ये हमने क्या पढ़े हैं? ई के वर्ड. अब हमने इसको अच्छी तरह से याद करना है, अच्छे तरीके से इसको लिखना है. तमाम बच्चों ने ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और इसके तमाम वर्ड्स को याद करना है. अब हमने इंशाल्लाह कल अगला वर्ड एफ अल्फाबेट का एफ पढ़ना है और तमाम बच्चों ने ये अच्छी तरह से वर्ड्स याद करने हैं ताकि हम अगला वर्ड एफ अल्फ़ाबेट का एफ सीख सकें. ठीक है, इंशाल्लाह हम सब कल मिलते हैं. तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़. कम टू लर्न्स.